हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन है, हिंदुस्तान के अंदर जो पॉजिटिव हैं उसमें इस्लाम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और चूंकि यहाँ पर मजहबियत का एक गलबा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, कहीं ना कहीं मजहबियत अभी भी पूरा मीडिया एक्टिव हो जाता है। आज सारा का सारा जो मीडिया है वो पूरी तरह कॉरपोरेट वर्ल्ड के हाथ में है। कॉरपोरेट वर्ल्ड जिस तरीके की पूरा जो वाक्य हुआ दिल्ली में रेप का, उस सिलसिले में मेरे कई मजामी शायद हुए और कई लिखा उसमें, और सेक्स के तौर पर जो पैदा किया गया है इसके बारे में कोई बात करने को सुनने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि साहब जो है सर ये तो हर मर्द की जिम्मेदारी है कि साहब वो अपने को कंट्रोल करें। अरे आप बार बार एक शराबी के सामने शराब की बोतलें ला के रखते हैं और उसी में यही से फर्क शुरू होता है इस्लाम का और वेस्टर्न सिस्टम का। कि वेस्टर्न सिस्टम में फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात की जाती है, सामने दूध भी रखा जाए, चॉइस बिटवीन गुड चॉइसेस, बिटवीन हेल्दी चॉइसेस। अगर आप हेल्थ और बीमारी के बीच चॉइस की बात करने लगे, अगर आप खतरनाक और अच्छाई अच्छी चीजों के बीच चॉइस की बात करने लगे, तो फ्रीडम ऑफ चॉइस हुआ क्या? अरे आप दुनिया को बर्बादी की तरफ। स्टूडेंट से कहता हूँ कि वेस्टर्न जो पूरा एजुकेशनल सिस्टम क्रिएट किया गया है, उस एजुकेशनल सिस्टम का मकसद कहीं ये नहीं है कि बच्चे हमारे नेक हों, बच्चे मॉरली अपराइट हों। सिर्फ एजुकेशन सिस्टम का मकसद ये है उन्हें पैसों की जरूरत है, जो शाम को क्लब में जाए, जो रोजाना बड़ी बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस पहने, जो खूब जाकर फिल्में देखे, जो खूब जाकर एल्कोहल पिए, जो पार्टीज मनाए, उनको पैसों की जरूरत है। उनको तो 2-4% ठीक है, जो ऐसे जरा सा जो रिसर्च माइंडेड अच्छे लोग हों उनको उससे काम चल जाता है रिसर्च पर्पज के लिए बहुत महंगी, वरना अदरवाइज उनका पूरा का पूरा जो पूरा जोर है इस बात के ऊपर है किस तरह जो तमाम चीज़ें किस तरह एक फ्रीडम के एक बहुत ही एक घटिया और नापाक कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जाए, उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाकर किस तरह सिस्टम को पूरी तरह ग्रहण बना कर दिया जाए, उसको रिवाज किया जाए। चुनाचे आज अमरीका में बहस चारों तरफ हाई कोर्ट में, और उसमें बहस आपने सुना होगा कि होमोसेक्सुअलिटी हो रही है तो लेकर हो रही है, चूंकि अब होमोसेक्सुअलिटी एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। तरीका उनका यह है कि जब कोई बीमारी, जब उनको ये लगता है कि ये चीज जो है इसकी इसके बहुत सारे कमर्शियल मफादात हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, आगे चलकर कोई चीज बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है, तो पहले उसको नॉर्मलाइज किया जाता है, आवाम को समझा जाता है कि नॉर्मल चीज है, बहुत अच्छी चीज है। अगर जो है बगैर शादी के साथ रहना है तो क्या फर्क पड़ता है, कोई शराब पी लेता है तो क्या फर्क पड़ता है, जुआ खेल लेता है तो क्या फर्क पड़ता है, उसके बाद उसको लीगलाइज कराया जाता है, और जब वो लीगलाइज हो जाता है तो उसको फिर बड़े पैमाने पर कमर्शलाइज कराया। होमोसेक्सुअलिटी के सामने उनको उनका मसला यह था कि अगर हमको इंस्टीट्यूशनलाइज और बड़े लेवल पर कमर्शलाइज करना है तो हमको एक रेगुलर फ्लो ऑफ होमोसेक्सुअल चाहिए, और उस रेगुलर फ्लो ऑफ होमोसेक्सुअल्स के लिए और क्या अच्छी तरकीब हो सकती है कि जो होमोसेक्सुअल मैरिजेस को अलाउ करते हैं, अडॉप्शन अलाउ करते हैं, ताकि जो बच्चे हैं उनकी उनकी तरबियत में पढ़े, वो भी आगे चलकर उसी से एक्सपोज हों, उनको उनको मौत के घाट में उतारना है। प्रोस्टिट्यूशन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम से कम प्रोस्टिट्यूट की 15-20 साल तक कम हो जाती है, आप उनकी आजादी के नाम पर उनको उनको तबाह और बर्बाद उनको खत्म करके बिल्कुल ना आवाज दे रहे हैं, आप नारा लगा रहे हैं और तुम्हारा है तो उसको मिटाने की कोशिश की। चुनाचे जब ये पूरा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ तो शुरुआत यूरोप से हुई, अमेरिका से हुई, उस जब उसका मुकाबला जब उन्होंने ग्लोबलाइजेशन उसका स्टार्ट किया और इस्लामिक वर्ल्ड में, आज ये डॉक्टर जावेद जमील साहब जो कि इंटरनेशनल अप्लाइड साइंस के चेयरमैन हैं, उनका लेक्चर रखा गया है और लेक्चर का मौजू है मुस्लिम्स मोस्ट सिविलाइज्ड येट नॉट एनफ, यानी मुसलमान सबसे ज़्यादा सब हैं पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा तहजीब याफ्ता हैं, लेकिन अभी भी कुछ कमी है। और इस लेक्चर में डॉक्टर जावेद जमील साहब ने इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि उन्होंने पूरी दुनिया का डेटा कलेक्ट किया है, पिछले 150 साल का आंकड़े जमा किए हैं, और उन आंकड़ों में ये दिखाने की कोशिश की है कि दुनिया में जितने कत्ल, जितने खून, जितने रेप, जितनी डकैती और जितने इलीगल और इमॉरल चीज़ें हो रही हैं उसमें टॉप 15 में सारे विदेशी कंट्री आते हैं, उसमें कोई भी मुसलमान कंट्री नहीं है।
और ख़ास तौर से उन्होंने ये बताया कि औरतों के नाम पर जो वेस्टर्न वर्ल्ड में यानी विदेशों में ख़ास तौर से क्रिश्चियंस और अमेरिका और यूरोप जो कंट्री हैं उनमें जो जो चीज़ें हो रही हैं वो उनकी अपनी सभ्यता की वजह से हो रही हैं, जबकि मुस्लिम मुल्कों में ज़्यादातर मुल्कों में जो है इस तरह के घिनौने अपराध ना के बराबर हैं। ख़ास तौर से जो रेप का मामला है या चोरी का मामला है या डेथ का मामला है, और उन्होंने ये भी साबित करने की कोशिश की कि अलकायदा के जो इल्ज़ाम लगाया गया तो अलकायदा की वजह से दुनिया में अब तक सिर्फ 5,500 लोग मारे गए हैं, जबकि अलकायदा के नाम पर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ में तकरीबन 20 लाख बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया है। उन्होंने इस लेक्चर में ये भी बताने की कोशिश की है कि ये झगड़ा जो है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का नहीं है, झगड़ा सिर्फ यह है कि वेस्टर्न वर्ल्ड ये चाहता है कि दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार बढ़े, और व्यापार बढ़ाने के लिए वो ऐसी सी चीज़ें लाता है जिससे व्यापार बढ़े। तो आज का ये प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा और बहुत सक्सेसफुल रहा, और दूसरे चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ प्रोफेसर शब्बीर साहब और डिपार्टमेंट के सारे बहुत सारे टीचर्स और छात्र यहाँ मौजूद थे, इसमें मेडिकल